बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ पर प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि सरकार नक्सलियों से चर्चा के लिए तैयार है। हम इस स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान की ओर बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बस्तर के हर गांव वर्तमान समय की जो मौलिक आवश्यकता है वह जरूर मिले। हमें समझना होगा कि कोई क्यों नहीं चाहता कि बस्तर के गाँव तक विकास पहुँचे। वेपन्स भी ऑटोमेटेड वेपन्स हैं और 13 बॉडी कल रिकवर हुए हैं। परसों एक और दूसरे जिले का था और गंगालूर क्षेत्र में विजयपुर में ही 6 बॉडी और 2 दिन पहले और रिकवर हुए हैं। तो ये सर्चिंग ऑपरेशन के समय ये सारा विषय है और जो भी है सरकार हर क्षण नक्सलियों से भी किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि बातचीत हो, शांतिपूर्ण हल निकले और हम यह भी चाहते हैं कि बस्तर के गांव-गांव तक सड़क, अस्पताल, स्कूल, बिजली, पानी, मोबाइल के टावर, ये सब जो आज वर्तमान समय की मौलिक आवश्यकताएं हैं वो पहुंचे। देखिए आईडी जो लगाया गया है पूरे क्षेत्र में, ये सिर्फ हमारे सुरक्षा कर्मियों के लिए या जवानों के लिए ही घातक है ऐसा नहीं है। आपको मैं बताऊं कि इसी महीने के पिछले महीने की 11 तारीख को एक आईडी ब्लास्ट में एक गांव का नौजवान लड़का, उसका पैर उड़ गया आधा। अब उसको वहीं पर रखा गया दबाव पूर्वक कि ये अगर जिला अस्पताल में जाएगा तो बहुत सारी बातें होंगी, बात फैलेगी। अब जब कुछ नहीं हो पाया तो फिर गांव वालों ने और परिवार वालों ने थोड़ा दबाव बनाकर फिर उसको जिला अस्पताल लेकर आए। वहां भी ठीक नहीं हुआ तो अभी बुला करके उसको रामकृष्ण हॉस्पिटल में एडमिट किए। तो आईडी जो बिछा हुआ है उससे जानवर भी हताहत हो रहे हैं, सामान्य जन भी हताहत हो रहे हैं और ऑपरेशन पर निकले जवानों पर तो होता ही है। तो ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत गलत है, बहुत मेहनत, बहुत मशक्कत की आवश्यकता है। सारे समाज को इस पर चिंता करना आवश्यक है। क्यों बस्तर के गांव तक विकास न पहुंचे, इसकी क्या जिद है किसी की, ये समझना पड़ेगा।